जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब मदनी, हेड ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट, और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा आफ्ताब, हेल्थ कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपके कामों पर, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट रेड क्रेसेंट सोसाइटी। ये है क्या, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट क्या है, और 1947 से शुरू की गई, और ये बात सही है कि वो एनजीओ है जो एनजीओ है या नहीं है, एनजीओ कहते हैं इसको? इसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन है। मैं सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इस बारे में बात करूँगा कि आज 27 रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका जो प्रोग्राम है TV1 का, वो 27 दिनों से हर एक जो फलाही इदारा है उसको यहाँ बिठाता है, मौका देता है, फराहम करता है, बात करता है। आपको शायद मालूम ना हो कि इस सेगमेंट की वजह से इनडायरेक्टली आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को, आपके प्रोग्राम को, माशाल्लाह ऐसे ही बढ़ाते रहें, इस कौम को इसी तरीके से खिदमत करते रहें। अब बात करते हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट, या जिसको हमने हिलाल अहमर, बचपन में सब ने ये नाम सुना होगा कि हिलाल अहमर। तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट जो है 20 दिसंबर 1947 को कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा। और 76 ईयर्स हुए हैं और ये इदारा पाकिस्तान भर में काम कर रहा है, जो कि एक एनजीओ नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑक्सिलरी टू गवर्नमेंट है, और सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को डिज़ास्टर में। अब दो किस्म के डिज़ास्टर आते हैं, एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे आफात आती हैं, सैलाब, रिसेंटली सैलाब आया या अर्थक्वेक आया, और दूसरे होते हैं मैनमेड डिज़ास्टर, यानी कि जिसमें वॉर्स हो गई, जिसमें टेररिस्ट अटैक्स हो गए। तो ये इदारा दोनों आफातों में काम करता है। इसके अलावा ये एक आलमी इदारा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 192 कंट्रीज़ में इसका नेटवर्क है, और इसकी बुनियाद जो है वो हेनरी डूना, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड के बाशिंदे थे, एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1863 में रखी थी। तो आप समझ सकती हैं कि ये तकरीबन 150 साल से पुराना इदारा है, और पाकिस्तान में उसको 76 ईयर्स हुए हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये होती है कि मदद की जाए मोस्ट वल्नरेबल की। अब वल्नरेबल तो हर कोई है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, जो हालात हैं, मगर मोस्ट वल्नरेबल के हम उन तक पहुँचें जिन जो मोस्ट डिज़र्विंग है, और उनको इस तरीके से मदद करना कि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो रिसेंटली जो है वो सैलाब की अगर हम बात करें, तो सैलाब में बहुत ज़्यादा काम किया, लाखों फैमिलीज़ तक पहुँचे, उन जगहों पे पहुँचे जहाँ पे कोई इदारा शायद ना पहुँच सका हो, और वहाँ पे जाके उनको ना सिर्फ खाने पीने की अशिया, उनको टेंट्स अवेलेबल कर दिए, उनको मेडिकल की बहुत बड़ी फैसिलिटी दी। जी बिल्कुल, डॉक्टर हिरा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो हाल ही में सैलाब आया, जो सैलाब जदगान है, वो कितने डिस्टॉर्टेड, बुरे हाल में, शॉक अलग, फिर बीमारियां अलग, वहाँ क्या माहौल था, आप चुप गई थी? जैसे कि अभी यू गाइस सॉ इन द पैकेज के अराउंड 33 मिलियन पीपल हैव बीन इम्पैक्टेड बाई द फ्लड्स, एंड ना उनके पास शेल्टर है, ना लाइवलीहुड की सोर्सेज हैं, दे हैव बीन फोर्स टू लीव देयर होम्स, एक्सेस टू मेडिकल केयर नहीं है उनके पास, जाना भी चाहें तो उनके पास वो सहूलत ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डिस्ट्रॉयड, तो जो डिलीवरीज हैं वो घर पर हो रही हैं अनसेफ मेथड से, सो देर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस दैट आर प्रेवलेंट राइट नाउ, स्टैग्नेंट वाटर की वजह से जो वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, अभी तक चीज़ें बहुत ख़राब हैं, सैनिटरी जो उनका कंडीशंस हैं वहाँ पर, तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ डिजीज़ वी हैव, कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी था, जिस पे हमने इन फ्लड रिस्पांस में हमने तमाम चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल से मज़ीद बीमारियाँ भी पैदा होने शुरू हो गई होंगी। तो वहाँ जब आप लोग गए, तमाम टीम ऑफ डॉक्टर्स, तो मतलब हमारा बेसिकली एज पार्ट ऑफ द फ्लड रिस्पॉन्स हमारी मोबाइल हेल्थ टीम्स थी, जिनको हम आउटरीच मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती थी टू अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। 9 में उन्होंने अब काम, लाइक हमारा 31st को फिनिश हुआ,
3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक काम चल रहा है एंड वी आर स्टिल प्रोवाइडिंग सर्विसेज. हमने टोटल अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध कवर किए हैं एंड वी हैव रीच्ड आउट टू 0.2 मिलियन पीपल विद मेडिकल एड, जिसके अंदर हमने बेसिक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं. वी हैव रेज्ड अवेयरनेस ऑन डिजीजेज, जो हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीजेज जो. ओके, सो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज. नाउ टेल मी अबाउट रेजिंग द अमाउंट. ये किस तरह, कौन मदद करता है, क्या हुकूमत से कोई मदद आती है, इमदाद आती है, या फिर लोग हैं जो करते हैं? देखें, इसमें रोल जो है वो हुकूमत का इतना ज़्यादा नहीं होता. ये समझे कि नहीं, कोई रोल नहीं होता. सही. इसमें या तो आपके फिलेंथ्रोपिस्ट, लोकल हमारे डोनर्स हैं, वही या कॉरपोरेशन से, कंपनी से, वो आगे बढ़ती हैं. लोकल जो लोग हैं हमारे, वो इस नाम से एक ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है लोगों में, तो वो आते हैं. हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऑफिस पहुँचे थे कि ये थोड़ा सा अमाउंट में हमारे बच्चे ने जमा किया, ये आप रख लें, ठीक है, ये उन तक पहुँचा दें. और इसके अलावा जो है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड एक इदारा है, तो हमारा एक इदारा जो इसका पेरेंटल बॉडी है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी है. इसमें जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक जो है जो मदद करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त, वो आते हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं. जिस तरह से नॉर्वेजियन रेड क्रॉस है, जर्मन रेड क्रॉस है, स्विस रेड क्रॉस है, ये आते हैं हमारे. कतर रेड क्रिसेंट है या कुवैत रेड क्रिसेंट है, ये हमारे साथ आए थे. जो पाकिस्तान में इस तरह के मुश्किल वक्त आते हैं, तो क्या ये इंटरनेशनल इदारे आगे बढ़ चढ़ के मदद करते हैं? बिल्कुल, ये हमारे साथ होते हैं, इनकी टीमें उतरती हैं, हमारे साथ बैठती हैं, ये फंड्स लाते हैं, उसके बाद फिर इनके साथ ही हम, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमें सपोर्ट करते हैं, इनकी सपोर्ट से हम फिर फील्ड में जाते हैं. ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं और इनकी काफी लोग जज्बे से गए थे कि हम भी जाके मदद करेंगे, बट वो फिर आर्मी ने आगे भी नहीं जाने दिया और फिर जाने का रास्ता ही नहीं. एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो वॉलंटियर है, हमारे पास इस वक्त सिंध में 6,000 से ज्यादा वॉलंटियर हैं, और वो वॉलंटियर ट्रेंड वॉलंटियर है, यानी कि हर एक वॉलंटियर के पास कोई ना कोई स्किल है. आइदर वो रिलीफ एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होगा, या तो वो स्किल्ड वर्कर होगा, या तो उसको जनरेटर ठीक करना आता होगा, वो हमारा वॉलंटियर होगा. ठीक, काम आए. तो जहाँ पे हमारे, हमें जो ज़रूरत होती है, हम अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि जी ये बंदा हमारे काम का, हम उसको अप्रोच करते हैं और वो हमारे साथ आ जाता है. सहरा, इस वक्त मुझे बताएं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो कुछ डोनेट करना चाहें, तो वुड यू प्रेफर अमाउंट या फिर कुछ मेडिकल सप्लाइज भी आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? Definitely yes, they can donate to us in cash also, और medical में भी हमारी help कर सकते हैं. They can come forward and we can tell them how to go about it, कि किस तरह से हमें medicines में, अगर we definitely need funding to procure medicines. बिल्कुल जी, तो हमने जो है वो एक medicines की list तैयार की हुई है, जो कि general medicines है, जो कि सिर्फ उन areas में ज़रूरत है जिन जो बीमारियाँ हो रही हैं. तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हिलाल अहमर पाकिस्तान जो है, उनके पास अगर कोई डोनर आ रहा है, या आइदर वो कैश डोनेट कर दे, उनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो फिर हमने उनको एक पैकेज देना होता है कि ये मेडिसिन है, आप कहीं से भी परचेस करें, उसका बॉक्स बनाएं और वो आप हमें दें. Excellent. क्योंकि ये स्टैंडर्ड होती है. अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर आपको पता है वो एक डब्बा कितने का होता है जिसमें तमाम मिक्स मेडिसिन? देखिए, वो डिपेंड करता है. हम जा रहे हैं, हम गाँव से गाँव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम ऐसे नहीं कि हम शहरों में बैठे. रिसेंटली छोटे छोटे गांव जहां पे 100 की आबादी है, 150 की आबादी है, 400 की आबादी, 500 की आबादी, तो हमने उनको सिर्फ मेडिसिन की लिस्ट प्रोवाइड करनी. अब उनके अमाउंट जो है वो डोनर खुद डिसाइड करके, उसके बाद 10,000 पे वो ये मेडिसिन 10,000 की परचेस करके. समझ गए तमाम नाज़रीन जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर आज ये राह नेकी का सेगमेंट देख रहे हैं. इस नेकी में आप भी शामिल हो सकते हैं. आपके सामने स्क्रीन पर टिकट चल रहा है ब्लू कलर का, उसके ऊपर तमाम डिटेल्स आ रही हैं इस इदारे की. इनको कांटेक्ट करने का तरीका आ रहा है, डोनेट करने का तरीका आ रहा है. लोकल डोनर्स के लिए अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इंटरनेशनल डोनर्स के लिए अकाउंट नंबर दिया हुआ है. तो सामने आगे बढ़ें और प्लीज़ अपना हिस्सा भी डालें इसके साथ. यहाँ वक्त होता है ब्रेक की तरफ बढ़ने का. देखते रहिए नूर रहमान इश्क़